कल हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये Asus ZenFone Max Pro M1S में Android Pi का जो बीटा अपडेट आया वो इंस्टॉल करने के बारे में बताया था, और उसमें कंप्लीट उस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पूरी जानकारी दी थी आप Android Oreo से कैसे Android Pi पे अपडेट कर सकते हैं, और इन केस आपको कुछ इशू आ रहा है या कुछ एरर आ रहा है तो उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं और अपने फ़ोन को एंड्रॉयड ओरियो से एंड्रॉयड पाई पे अपडेट कर सकते हैं। वो मैं यहाँ कहीं ओवरले में लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, और आपका अगर कोई भी इशू आ रहा है एंड्रॉयड पाई के अपडेट को लेकर तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड पाई में क्या नए फीचर्स आए हैं, Asus ने क्या नए फीचर्स दिए हैं और कौन से फीचर्स इसमें मिसिंग हैं, नहीं आए हैं। तो सबसे बड़ा फीचर मिसिंग लगा मुझे वो है डिजिटल वेलबींग का, तो वो फीचर इसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं जबकि Asus के अपडेट में नहीं आया, बट हम उसे साइड लोड करेंगे और इजीली उसे ऐड कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखने के लिए कि क्या क्या नए फीचर्स हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं। गाइस, इसमें हमने एंड्रॉयड पाई अपडेट कर दिया, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइकन्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, आइकन्स का डिज़ाइन और कलर स्कीम चेंज हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम बटन की, सबसे पहले तो वॉल्यूम यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं इसे, और इनफैक्ट यहाँ से भी आप इसे वाइब्रेट मोड पर डाल सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं या साउंड पे डाल सकते हैं। यहाँ से एक क्विक एक्सेस शॉर्टकट डाल दिया इन्होंने, तो यहाँ से आप डायरेक्ट साउंड में जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इसने नेविगेशन बार दे दिया है तो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, और अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो आपकी रिसेंट ऐप्स खुल जाएंगी। यहाँ से अगर आपने जैसे इसे ऊपर किया तो आपकी रिसेंट ऐप्स खुल जाएंगी, आप ऐप्स को मूव कर सकते हैं। और हम सेटिंग्स में जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसे कहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो सिस्टम में जाना है, आपको जेस्चर्स में जाना है और आपको इनको ऑन कर देना है, वरना आपके पुराने वाले जो ऑप्शन थे वो आ जाएंगे। तो ये सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पर जाके जेस्चर्स में जाके इसे इनेबल करना है। बट इसमें एक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, शायद ये बग है, इसके आसपास ये रिंग आ रहा है, यूजुअली ये रिंग नहीं आता है। इसको भी बंद कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेटिव वीडियो कॉलिंग की, तो इसमें नेटिव वीडियो कॉलिंग नहीं आया है। और कैमरा टू एपीआई की बात करते हैं, एक बार हम कैमरा टू एपीआई हमने चेक करके देखा था इसमें, तो अभी भी इसमें लीगेसी सपोर्ट है, इसमें फुल सपोर्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं Asus को बोलूँ कि कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट आए, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली Asus को बोलूँगा। और DRM इन्फो की बात करें, अगर हम वाइडबैंड सपोर्ट की, तो पहले भी L1 सपोर्ट था, इसमें अभी भी L1 सपोर्ट है, उसमें कुछ इशू या चेंजेस नहीं आए हैं। और ऐप क्रैशेस मुझे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिले, सिस्टम एरर्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं है इसमें। फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुई है, बट हाँ जैसा पहले था वैसे ही है, शायद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क पड़ा हो, लेकिन हाँ जब फ़ोन आया था उसके कंपैरिजन में तो अब ये काफ़ी फास्ट हो चुका है और काफ़ी बेटर है। फेस अनलॉकिंग भी नियरली वैसा ही है। अब इसके अलावा बात करते हैं इसमें क्या मिसिंग है। इसमें बेसिकली वो डिजिटल वेलबींग का एक फीचर आया था, वो मिसिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल वेलबींग को कैसे इंस्टॉल करना है अगर आप डालना चाहते हैं अपने Asus के किसी फ़ोन में। इनफैक्ट ZenFone 5Z में भी नहीं आया था, तो इसमें आपको इंस्टॉल करना है तो आप पहले गूगल पे जाएं और आप जाकर लिखिए डाउनलोड डिजिटल वेलबींग, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये आपका APK मिरर खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो एक बार ये आपका डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको जाना है अपना, ऑटोमेटिकली वैसे पॉपअप देगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये डाउनलोड APK, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये कुछ ऑप्शन देगा लेकिन उससे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा ये सिंपली डन। अगर वो परमिशंस के लिए एक्सेस मांगे तो आप उसे परमिशंस के लिए एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, आपको एक काम और करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और पिक्सल शॉर्टकट्स करके एक ऐप है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब ये आप इंस्टॉल कर लेते हैं पिक्सल शॉर्टकट्स, इसको आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इसका यहाँ पे शॉर्टकट बना देना है ऐड टू होम स्क्रीन, ऐड ऑटोमेटिकली, बस इतना काम करना है आपको। और ये हो गया आपका डिजिटल वेलबींग इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे जैसे डिजिटल वेलबींग आ गया है तो अभी ये दिखा रहा है, कभी कभी ये हो सकता है आपसे परमिशन मांगे, तो आपको परमिशन इनेबल कर देना है बस। ये है डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन।
ये यूजेज एक्सेस मांगता है आपको। जैसे हमने यूजेज एक्सेस ऑफ कर दिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया एक बार, तो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा नहीं दिखाएगा। अब ये पूछेगा आपको जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे कि चेंज इन सेटिंग्स डिजिटल वेलबींग को आपको यूजेज एक्सेस देना होगा, तो ये आपको करना है एक स्टेप एडिशनल। तो आपका यहाँ पे दिखा देगा कि आप कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपको कौन सी ऐप पे आपको कम यूज़ करना चाहिए। तो ये था यार एक क्विक ट्यूटोरियल बताने के लिए कि क्या नया आया एंड्रॉयड पाई में और क्या फीचर्स मिसिंग है। तो करते हैं हम अगले वीडियो में मुलाकात। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहें और लाते रहें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।